गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में बोला है, फाइंड द नंबर बिटवीन 700 एंड 800 व्हिच इज डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 24। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 700 और 800 के बीच में वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी नंबर इन तीनों से डिविजिबल कब होगा, जब इन तीनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करें। ओके, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर है 12, 15 और 24, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें 2 का डिवाइड देते हैं तो 6 टाइम, 15 में जाएगा नहीं तो 15 को कॉपी कर देंगे, और 12 टाइम अगेन 2 का डिवाइड देंगे, 3 टाइम 15 और 6 टाइम अगेन 2 का, तो 3, 15 और 3 टाइम। अब 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 का डिवाइड करते हैं तो 1, 1 और 1। अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास इसका जो एलसीएम वो आ गया 8, 8, 3 जा 24, 24, 5 जा 120। ठीक है, यानी कि 120 है वो 12, 15 और 24 तीनों से डिविजिबल है। लेकिन हमें नंबर क्या फाइंड आउट करना है, 700 और 800 के बीच में। तो देखो बच्चों, जब ये तीनों नंबर 120 से डिविजिबल है तो ये तीनों नंबर 240 से भी डिविजिबल होंगे, 360 से भी होंगे, 480 से भी होंगे और 600 से भी होंगे, और 720 से भी होंगे, 840 से भी होंगे। ठीक है, लेकिन हमें नंबर चाहिए 700 और 800 के बीच में। तो बच्चों, इन दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है 720, जो 700 और 800 के बीच में भी है और इन तीनों नंबर से डिविजिबल भी है। तो देयरफोर द रिक्वायर्ड नंबर इज 720। ओके, और यही हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को देखते हैं। देवी का विजिट ए श्राइन आफ्टर एवरी 45 डेज, यानी कि देवी का है वो हर 45 दिन के बाद, श्राइन का मतलब तीर्थ स्थल को देखने के लिए जाती है, मेनिका हर 30 दिन बाद उस तीर्थ स्थल को देखने के लिए जाती है, और कनिका 60 दिन के बाद। वन डे, एक दिन दे मेट एट द श्राइन टूगेदर, एक दिन वो उसी स्थान पर वो एक साथ मिले। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट अगेन एट द सेम प्लेस, मतलब कितने दिन के बाद वो इसी प्लेस पे वापस मिल जाएंगे, ये हमें बताना है। तो दैट मींस स्टूडेंट, हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है, एक तो है 45, ये डेज में स्टूडेंट आंसर इसका डेज में आएगा, तो नंबर तो हमारे पास 45 है। दूसरा क्या है 30, और तीसरा क्या है आपका 60। इसका हम एलसीएम निकालते हैं, 2 का डिवाइड देते हैं, 45 में नहीं जाएगा, 30 में चला जाएगा 15 टाइम, और इसमें 30 टाइम अगेन 2 का डिवाइड देते हैं, 45 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, और 30 में जाएगा 15 टाइम। अब बच्चों हम 3 का डिवाइड करते हैं, ठीक है, 45 में 3 का डिवाइड 15 टाइम, और इसमें 5 टाइम, और इसमें 5 टाइम। अब 15 में अगेन 3 का डिवाइड देते हैं तो 5 टाइम, 5 में लगेगा नहीं, और इसको भी कॉपी कर दे। अब बच्चों हम 5 का डिवाइड करते हैं तो 1, 1 और 1। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, सो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका 12, 12 3 जा कितना हो गया आपका 36 इंटू 5 180। ठीक है, 180 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि 180 दिन के बाद वो
तीनों उसी जगह पे मिल जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सो आफ्टर 180 डेज विल दे मीट अगेन एट द सेम प्लेस। ठीक है, सेम प्लेस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एट को देखते हैं। एट में बोला है अ बैग ऑफ एप्पल इंपैक्ड इनटू स्मॉल बॉक्सेस व्हिच कैन कंटेन 24, 30 एंड 36 एप्पल्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक एप्पल का बैग है जिसको हम छोटे बॉक्सेस में पैक करते हैं, तो उसमें 24, 30 एंड 36 एप्पल्स आ सकते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल इन द बैग। हमें फाइंड आउट करना है कि उस छोटे बैग में मिनिमम कितने एप्पल्स आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी वर्ड मिनिमम आता है उस केस में हम एलसीएम लेते हैं। तो अब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर है 24, 30, 36। इसका हम एलसीएम लेंगे। ओके, तो इसमें 2 का डिवाइड देते हैं तो 12, 15, 18। अगेन 2 का डिवाइड 6 टाइम, 15 कॉपी करेंगे 9 टाइम। फिर 2 का डिवाइड 3 टाइम, 15 में नहीं जाएगा, कॉपी करेंगे 9 को भी कॉपी कर देंगे। अब 3 का डिवाइड देते हैं तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अगेन 3 का डिवाइड 1 5 और 1। अब 5 में 5 का डिवाइड चला जाएगा 1 1 और 1। अब बच्चों इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 2 into 2 into 2, दैट इज 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और इंटू में 5 हो गया, तो 8 9 जा 72 into 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 360। यानी कि उस बैग में कम से कम 360 सेब आ सकते हैं। तो देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स इन द बैग विल बी, ठीक है, विल बी 360। ओके, और ये इसका आंसर हो गया। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। 9 में हमें बोला है ए फ्लैशिंग बल्ब ऑन क्रिसमस ट्री फ्लैशेस वंस एवरी 10 सेकंड्स। एक क्रिसमस के ट्री पर एक जो बल्ब है वो हर 10 सेकंड में आपका फ्लैशिंग करता है। फ्लैशिंग का मतलब चमकता है। टू अदर बल्ब फ्लैश वंस एवरी 15 सेकंड एंड 24 सेकंड रिस्पेक्टिवली। दो बल्ब हमारे पास और हैं जो हर 15 सेकंड और 24 सेकंड के बाद फ्लैश करते हैं। इफ ऑल थ्री बल्ब आर फ्लैशिंग टुगेदर नाउ, यदि तीनों बल्ब एक साथ फ्लैशिंग करते हैं, हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थ्री बल्ब टू फ्लैश टुगेदर अगेन। कितने समय के बाद वो बल्ब दोबारा से एक साथ फ्लैशिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसका भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब वर्ड आपके पास टुगेदर आ जाए या फिर लिस्ट आ जाए तो उस केस में स्टूडेंट हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 10, दूसरा है 15 और आपका है 24। ठीक है, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 15 में नहीं जाएगा तो कॉपी कर लेंगे, 24 में आपका 12 है। फिर 2 का डिवाइड देंगे, 5 को कॉपी करेंगे, 15 को भी कॉपी कर देंगे, 6 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, ये 15 में नहीं जाएगा और 5 में नहीं जाएगा। अब बच्चों हम 3 का डिवाइड करते हैं तो 5 में नहीं जाएगा तो 5 को कॉपी कर दिया, 15 में 5 टाइम चला जाएगा, 3 1 जा 3। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 1। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो एलसीएम आ गया वो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5।
ठीक है, 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120, दैट मींस वो जो तीनों बल्ब है वो 120 सेकंड के बाद एक साथ फ्लैशिंग हो गए, तो आफ्टर 120 सेकंड। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है वेनु एंड तनुज आर रनिंग अलोन ए सर्कुलर ट्रैक, यानी कि आपको बोला है कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इसमें तनुज और जो वेनु है वो रनिंग कर रहे हैं। दे टेक 48 सेकंड एंड 56 सेकंड टू कंप्लीट ए लैप रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो वेनु है वो 48 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है और तनुज है वो एक राउंड 56 सेकंड में कंप्लीट करता है। अंडरस्टूड? दे बिगन फ्रॉम द सेम टाइम, जबकि दोनों ने सेम टाइम पर ही चलना शुरू किया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर देम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यानी कि दोनों जो इसी पॉइंट पे चले थे तो दोबारा वो इसी पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जो एलसीएम आएगा वो उसी टाइम पर दोनों मिल जाएंगे, तो 48 और दूसरा है 56, टू का डिवाइड करेंगे तो 24 और 28, अगेन टू का डिवाइड करेंगे तो 12 और 14, अगेन 12 का एंड 2 का 6 और ये आ गया 7, फिर 2 का 3 और ये आपका 7, अब 3 का 1 टाइम 7, 7 में 7 का 1 टाइम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा कितना, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और इनटू में 3 इनटू में 7, दैट इज 2 की पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16 into 21, तो हमारे पास आ जाएगा 336, यानी कि 336 सेकंड बाद दोनों इसी पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो इसका पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब दूसरे बोला कि हाउ मेनी लैप्स विल ईच बॉय हैव रन बाय देम, यानी कि इन दोनों ने इतने टाइम में कितने लैप्स का मतलब कितने राउंड इन्होंने लगाए, तो हमें राउंड फाइंड आउट करना है कि भाई तनुज ने इतने टाइम में कितने राउंड लगाए और वेनु ने इतने टाइम में कितने राउंड लगाए, ठीक है। तो पहले वेनु के राउंड निकालते हैं, सो नंबर ऑफ लैप्स ऑफ वेनु, अब वेनु ने टोटल टाइम कितना लिया आपके पास 336 और एक राउंड में कितना टाइम लेता है 48 सेकेंड, तो ये कट जाएगा आपका 7 टाइम, तो 7 राउंड हो गए इसके, ठीक है। कितने राउंड लगाएगा वो 7 राउंड्स। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे तनुज का, नंबर ऑफ लैप्स ऑफ तनुज इज इक्वल टू 336 अपॉन में कितना है आपका 656। अब देखो इसको हम 6 से काट देंगे तो ये 6 टाइम कट गया, तो इसके कितने आगे राउंड 6 राउंड, तो वेनु ने इतने टाइम में 7 राउंड लगाए थे और तनुज ने इतने टाइम में 6 राउंड लगाए थे। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।